हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज की टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को लंबे, घने और मोटे कैसे बना सकती हो। इसलिए मैं आज आपके सामने एक अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ। सो चलो देखते हैं वो टिप्स क्या। आपको बालों के लिए एक अमेजिंग नुस्खा बताने वाली हूँ। अभी इसके लिए आपको चाहिए एक पैस ऑनियन, तेल की तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। अभी सबसे पहले एक पैस को लीजिए, उसको काट के इसका कलचुलटा निकाल लीजिए। अभी ये आनियन को चुलटा निकालना चाहिए। चुलटा निकाल के अभी ये आनियन को हम ग्रेड करना चाहिए। पैस को मिक्सर में डाल के ग्रेड करके इसको जूस निकाल चुकी हूँ। अभी एक पैस का रस है ये। अभी एक पैस का रस में आप 3 चम्मच नारियल की तेल ऐड करना चाहिए। ऐड करके दो चीज़ों को अच्छे से मिलाना चाहिए। मैं पैस यूज़ कर चुकी हूँ। पैस का रस में सिट्रिक प्रॉपर्टीज रहता है। ये अपना बालों को एंड डैंड्रफ से बचाने के लिए बहुत मदद करता है और अपना एयर स्कैल्प से अपना हेयर फॉल को रिड्यूस करके अपना हेयर को रिग्रोथ करने में ये पैस का रस बहुत मदद करता है। अभी ये पैस का रस में न्यूट्रल प्रॉपर्टीज रहता है। ये अपना हेयर को, बालों को जड़ से थिक, स्ट्रॉन्ग और घने बनाने में बहुत मदद करता है और ये बहुत आसानी तरीका है पैस। और नारियल की तेल, कोकोनट ऑयल, एक कोकोनट ऑयल अपने बालों को हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में यूज़ करता है और साथ ही अपना बालों को सिल्की और सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में ये नारियल की तेल बहुत मदद करता है। मैं इसमें सिंपली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुकी हूँ। अभी इस पैक को आप एक कॉटन बॉल लेके कॉटन बॉल में डिप कर लेना चाहिए। टब में डिप करके अपना बालों के स्कैल्प के ऊपर ये लगा लेना चाहिए। अपना पूरा बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर लगा के इसको अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करके इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कोई भी आपका रेगुलर शैम्पू से आप शैम्पू कर लीजिए। मैं इसमें पैस का रस यूज कर चुकी हूँ। पैस का रस में क्लोरोफोरियल एसिड रहता है। इसकी वजह से अपना बालों को जल्दी रीग्रोथ होने में बहुत मदद करता है और साथ ही इसमें न्यूट्रल प्रॉपर्टीज रहता है। इसकी वजह से अपना बाल जड़ना टूटना कम हो जाएगा और साथ ही आपका बालों को घने, लंबे और मोटे बनाने में ये पैस का रस बहुत मदद करता है। और दूसरा चीज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, नारियल की तेल। ये नारियल की तेल अपना बालों को सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट बनाने में बहुत मदद करता है। इजीली अवेलेबल होगा, इसीलिए मैं इसमें नारियल की तेल यूज़ कर चुकी हूँ और इसमें गुड फैट प्रॉपर्टीज रहता है। इसकी वजह से अपना बालों को कुछ नुकसान नहीं होगा। अपना बाल जल्दी ग्रोथ करने में ये नारियल की तेल बहुत मदद करता है। इसको आपका बालों के हिसाब से तैयार करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्याज इसमें काफ़ी होगा और इसमें 3 चम्मच नारियल की तेल यूज़ कर चुकी हूँ। बस ये ओनली आपका बालों के स्कैल्प के ऊपर लगा के आप अप्लाई करना चाहिए। चाहिए तो आप इसको पूरा बालों के भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेन थिंग ये है कि अपना बालों के रूट से ऊपर ही ये लगा लेना चाहिए। ऐसा आप रेगुलरली 1 हफ्ते तक करने से आपका बाल जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बाल ज़्यादा लंबा होना चाहे तो आप इसको रेगुलरली 2 हफ्ते ट्राई करने से आपका बाल जल्दी से लंबे, घने और मोटा होना शुरू हो जाएगा। आप ये प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करने से आपके बाल लंबे, घने, मोटे और मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ये पैक आप मेल, फीमेल कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से कुछ नुकसान नहीं होगा, इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये 100% नेचुरल नुस्खा है। तो आप एक नुस्खा घर में जरूर ट्राई कर लीजिए, इसका रिजल्ट मुझे बताइए। ये है आज के मेरे सिंपल नुस्खा। आप ये घर में जरूर ट्राई कर लीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस दिख पाएगा, आपके बाल जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस को घर में जरूर ट्राई कर लीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस दिख पाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड ये वीडियो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आगे से और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके फिर मैं आपके सामने आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।